मैं आप सभी प्रिय दर्शकों और सभी सब्सक्राइबर का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दैनिक राशिफल के इस विशेष कार्यक्रम में। आगे बढ़ने से पहले उन लोगों को बधाई देना जरूरी है जिनका या तो आज जन्मदिन है या फिर मैरिज एनिवर्सरी या स्पेशल कोई उनका डे है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आप कोशिश करें कि अगर आपके पास वक्त है और थोड़ा कुछ कर सकते हैं तो आज गणवेश यानी जो स्टूडेंट है उनको यूनिफॉर्म भेंट करने चाहिए या फिर उसके लिए कुछ राशि अलग से निकाल कर दें। जब भी मौका मिले आप उनको ज़रूर स्टूडेंट को उनकी स्कूल की जो पोशाक होती है जिसे गणवेश भी कहते हैं और यूनिफॉर्म कहते हैं उसे देना चाहिए। आज दिनांक 21 फरवरी और गुरुवार है। चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के सिंह राशि में रहेंगे और वो भी सुबह 10:21 तक। उसके बाद कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे। फाल्गुन कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि दोपहर को 2:01 तक रहेगी और उसके बाद तृतीया तिथि रहेगी। शुभ दिन के साथ साथ ग्रहों से बनने वाले विशेष राजयोग जैसे बुध आदित्य योग का लाभ मिलेगा और वहीं मेष कर्क तुला और मकर राशि वाले लोगों को आज रुचक योग का लाभ मिलेगा। आज के दिन अगर आप कोई शुभ कार्य मांगलिक कार्य यात्रा खरीदारी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में साइन करना कोई फैसला लेना चाहते हैं कोई मीटिंग है आपके लिए तो उसके लिए आप समय नोट करें दोपहर 12:00 से 1:00 तक या फिर शाम को 5 से 6 तक। कोशिश करें कि दोपहर को 1:30 से 3 तक जब राहु काल रहेगा तो इस काम को नहीं करना चाहिए। मैं 23 फरवरी और 7 मार्च को दिल्ली 24 फरवरी को चंडीगढ़ रहूंगा 2 मार्च और 3 मार्च को मैं देहरादून रहूंगा वहीं 16 मार्च नागपुर और 17 मार्च को मैं नासिक में रहूंगा। उसके बाद मेरा भारत का दौरा रहेगा भारत से बाहर का जिसमें 28 फरवरी और 1 मार्च को दुबई 8 और 9 मार्च को सिंगापुर 10 और 11 मार्च को मैं पर्थ ऑस्ट्रेलिया में रहूंगा। अगर आप इन शहरों और देशों में रहते हैं और मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। अब आज को सफल बनाने का मेरा गुरु मंत्र जान लीजिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आपकी उम्र सीखने की अब नहीं रही। आप आज नहीं अभी और इसी वक्त आगे की योजना बनाओ और शुरुआत करो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। आप चाहे 80 साल को चुके योजना बनाइए आगे की देखिए मैं आपको वादा करता हूं आपको सफलता मिलेगी। कार्यक्रम के अंत में आप आज 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जानेंगे। एक तो स्वास्थ्य लाभ के लिए क्या विशेष उपाय करें और सुख सौभाग्य सूत्र में आज एक विशेष बात को मैं बताने जा रहा हूं। अब ग्रहों की स्थिति की बात करें तो आज मेष राशि के मंगल रहेंगे कर्क राशि के राहु रहेंगे सिंह से कन्या की तरफ प्रवेश करेंगे चंद्रमा और इससे बनेगा केम द्रुम दोष। देवताओं के गुरु बृहस्पति वृश्चिक राशि में रहेंगे शुक्र शनि धनु राशि में मकर राशि में केतु और सूर्य बुध का बुधादित्य योग 11th हाउस यानी कुंभ राशि में रहेगा। इसी से मैंने आपका आज का राशिफल तैयार किया जिसे आप अपनी चंद्र राशि और लग्न दोनों के आधार पर देख सकते हैं। शुरुआत मेष राशि से। आज आपको 2 चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए। पहला तो किसी भी प्रकार से आज आपको एक ज्ञान स्पेशल अपने काम का जरूर प्राप्त करना है। दूसरा कर्ज को कम करने के लिए खर्चों को कम करने की तरफ आपका इशारा होना चाहिए। आज के दिन आपके और बिजनेस दोनों के लिए फायदेमंद रहेगा यानी जॉब और बिजनेस दोनों के लिए। कर्ज से कुछ हद तक मुक्ति पाने के लिए आज आपकी जो योजना होगी वो काफी हद तक सफल होगी। वर्क प्लेस पर आज आपको प्रमोशन मिलने के सैलरी हाइक होने के चांसेस बन रहे हैं तो आज आपको अपने ऑफिसर से बात कर लेनी चाहिए। वहीं सभी एम्प्लॉयज को अपने से उच्च अधिकारियों का सपोर्ट मिलने जा रहा है और फैमिली में आज आपके द्वारा किए गए कार्य की सराहना भी होगी। वहीं लव लाइफ में आज आपको नेगेटिव थिंकिंग को अवॉइड करना चाहिए और सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ बढ़ना चाहिए। जो कुछ भी सिचुएशन है वो इससे वर्स्ट हो सकती थी यही सोच के चलना है। स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम गवर्नमेंट जॉब और आ रहे एग्जाम की तैयारी से काफी हद तक खुश हैं लाभ मिलेगा। वहीं शरीर में हल्की सी जकड़न और दर्द परेशान कर सकती है बाकी बहुत अच्छा रहेगा। लकी कलर रेड नंबर 4 शुभ है। शुभ अल्फाबेट ABO है वहीं CM से दूरी बनाकर रखें भाग्य उदय कारक दिशा पूर्व रहेगी। वृषभ राशि वाले लोगों को आज 2 चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए। एक तो पहला आपकी माता जी के स्वास्थ्य की तरफ या उनसे संबंधित जो भी विचार है उस पर ध्यान दीजिए। दूसरा आपको अपने बच्चों की तरफ और आप खुद ही बच्चे हैं तो मां की तरफ ध्यान देना चाहिए। बिजनेस में किसी एक कंपनी के भरोसे न बैठे अन्य कंपनियों के ऑर्डर भी आपको मिल सकते हैं। आपको डिफरेंट सोर्सेस को अपनाना चाहिए। हर ग्राहक संतुष्ट होना चाहिए यही सोचना चाहिए आपको। ग्राहक खाली नहीं जाना चाहिए इस पर विचार करें। वर्क प्लेस पर आज आपके साथ विश्वासघात हो सकता है। आपने जिस पर जरूर से ज्यादा भरोसा किया था वो किसी भी प्रकार से आपके भरोसे के लायक नहीं है यह आज आपको पता लग जाएगा इसलिए सावधानी रखनी चाहिए। सरकारी कर्मचारियों पर
या जो एम्प्लॉयज है उनको एपीओ होने की स्थिति बन सकती है। फैमिली में आज सभी आपकी बातों पर एक मत हो सकते हैं, इसके आपको ऐसी ही बात करनी चाहिए। वहीं लव लाइफ में लवर को मनाने में ज्यादा समय लगेगा और रूठे हुए लोगों को मनाने में नई नई टेक्निक अपनानी चाहिए। स्टूडेंट एग्जाम के पैटर्न को लेकर थोड़े से टेंशन में रहेंगे, आपको हर तरीके से विचार करके जैसे तैसे भी क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जा सकता है और ऐसी समस्या से सभी स्टूडेंट को रूबरू होना पड़ता है। खान पान को लेकर विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए, डाइजेशन की समस्या हो सकती है। लकी कलर मैरून। नंबर वन शुभ है, शुभ अल्फाबेट जे एल एन है, ओ पी से दूरी बनाकर रखें। भाग्य उदय कारक दिशा दक्षिण रहेगी। मिथुन राशि वाले लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि आज दो चीजों की तरफ ध्यान दें, पहला तो अपने पराक्रम स्वयं के मान, दूसरा आपके जमीन और जायदाद की तरफ। आपको अगर कोई भूमि, पहली बात तो पराक्रम यानी आप अपने आप को अपनी डिग्निटी को अपने स्वयं को मान देने की तरफ विचार करें। दूसरा अगर आपको कोई जमीन लेनी है या कोई फ्लैट ऑफिस दुकान फैक्ट्री के लिए कुछ लेना है तो उस पर विचार कर सकते हैं। जो ली हुई चीज है उसकी डॉक्यूमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए। वैसे मैंने आपको फरवरी माह के मंथली राशिफल में अलग से बताया था कि 21 फरवरी को चंद्रमा चौथे रहेंगे, जो हो सकता है कि कुछ हद तक आज आपको मानसिक अशांति दे दे, तो आज आप अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखें और कूल रहने की कोशिश करें। अपने गुस्से पर सदैव के लिए अंकुश लगाने का काम करें, अन्यथा उसका नुकसान आपको बिजनेस में जॉब में दोनों जगह भुगतना पड़ सकता है। वर्क प्लेस पर तोल मोल के बोल और बहुत समझदारी से बोल की सिचुएशन आपको अपनानी चाहिए। आज नौकरी पेशा लोगों को किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहिए, वरना जो परेशानी है वो बढ़ सकती है। शादीशुदा लोगों को कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के जंजाल में फंसते हुए देखा गया है, जो आप भी इससे अछूते नहीं रहेंगे, ऐसी सिचुएशन ग्रह बना रहे हैं। सबके साथ ऐसा होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लव लाइफ में आज लव पार्टनर की कोई बात आपको हर्ट कर सकती है, इसके आपको माफ कर देना चाहिए। स्टूडेंट अध्ययन में आ रही दिक्कत से काफी तक परेशान थे, अब निकलते जा रहे हैं। सेहत को लेकर कोई दिक्कत नहीं, एंजॉय करिए। लकी कलर ब्लू। नंबर तीन शुभ है, शुभ अल्फाबेट सी एल यू है, ए वी से दूरी बनाकर रखें। भाग्य उदय कारक दिशा पश्चिम रहेगी। कर्क राशि वाले लोगों को दो चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए, पहला ध्यान है आपको अपनी फैमिली फर्स्ट, इसी पर ध्यान देना चाहिए, और दूसरा अपने छोटे भाई की तरफ आप ध्यान दें। व्यापार में आज कोई नया कार्य बिल्कुल भी नहीं करें, बल्कि जो काम हाथ में ले रखें, जो पुराने काम है उस पेंडिंग काम को पूरे करने की तरफ लगें। वर्क प्लेस पर अधिकारियों के साथ विवाद से बचना चाहिए, वरना आज विवाद में फंसकर आप अपने रूटीन काम को भी डिस्टर्ब कर देंगे। वहीं नौकरी पेशा लोगों को आज बहुत संभल कर बोलना चाहिए, सिर्फ अपने काम से मतलब रखना चाहिए, वरना किसी से झगड़े की वजह से आपका डिस्टर्बेंस का दिन रह सकता है। जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध बनाने के अलावा आज आपको कुछ भी नहीं सोचना चाहिए, अगर जीवन साथी की बात करते हैं। और वहीं लव लाइफ में पैसों को लेकर या किसी और की बातों को लेकर तनाव हो सकता है। स्टूडेंट कैंपस में झगड़े या विवाद से दूर रहें। गंभीर बीमारियों को आपको ये जो ये झगड़े फंसा जो ये भी एक बीमारी है जिससे आपको दूर रहना चाहिए। आज आपकी ओवरऑल सेहत अच्छी रहेगी। लकी कलर ग्रे। नंबर नाइन शुभ है, शुभ अल्फाबेट एम पी एस है, एफ ओ से दूरी बनाकर रखें। भाग्य उदय कारक दिशा उत्तर रहेगी। सिंह राशि वाले लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि दो चीजों की तरफ ध्यान दें, पहला तो आपकी पैतृक संपत्ति, दूसरा आपका शरीर। शरीर अच्छा रहना चाहिए और पैतृक संपत्ति का विवाद है तो उसे सुलझाएं, थोड़ा बहुत त्याग करना पड़े तो कर देना चाहिए। बिजनेस में डॉक्यूमेंट्स का ध्यान जरूर रखें और अपने सभी प्रकार के कागजात को एक सही जगह पर आपको रखना चाहिए, ठिकाने पर रखना चाहिए, वरना कोई गुमना या कुछ तकलीफ आ सकती है। वर्क प्लेस पर शांतिपूर्वक कार्य करें, धैर्य से काम लोगे तो काम भी ज्यादा पूरे हो जाएंगे और कूल माइंड से काम करोगे तो नए नए आइडियाज भी आपको लाभ देंगे। नौकरी पेशा लोगों को आज कोई भी काम करने से पहले थोड़ा सा रुकना चाहिए, विचार करना चाहिए, धीरज धैर्य और संयम से काम लें, क्योंकि आज आपसे कोई गलत तरीके से काम करवा सकता है। आज मिलने वाले मैरिज ऑफर्स ध्यान देने से पहले आप पूर्ण रूप से विचार कर लें, कुंडली मिलान कर लें और कुंडली के अनुसार उसकी प्रोफाइल मैच करती कि नहीं करती ये आप पंडित जी से जरूर पूछें, उसके बाद ही आपको फाइनल करना चाहिए। लव लाइफ में आज आपका ध्यान बांटने की या बांटने वाली कई चीज़ों से आपको रूबरू होना पड़ेगा, इसलिए आप ये ध्यान रखें कि क्या आपकी काम की चीज़ है और किस चीज़ से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि लव लाइफ बहुत नाजुक मोड़ पर भी है आपकी, ध्यान रखें। स्टूडेंट एग्जाम की पूर्ण तैयारी न होने से थोड़े से परेशान रहेंगे, एल्बो की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। लकी कलर आपका वाइट। नंबर फोर शुभ है, शुभ अल्फाबेट ई एम यू है, एस टी से दूरी बनाकर रखें। भाग्य उदय कारक दिशा पूर्व रहेगी। कन्या राशि वाले लोगों को आज दो चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए, पहला तो आपके खर्च कैसे पूरे होंगे, दूसरा आपका स्वभाव आज
हमेशा की तरह वैसा नहीं रहना चाहिए, कुछ तब्दीली लेकर उसको और कूल करने की कोशिश करें। व्यापार में आज पूरा ऑर्डर करने की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए और उसी से ही आपको खुशी मिलेगी। आज आपको किसी और चीज़ में ध्यान रखने की बजाय अपने व्यापारिक स्थिति को ठीक करें, अपने एनवायरमेंट को ठीक करें और वर्क ऑर्डर को पूरा करें। वहीं वर्क प्लेस पर आज आप किसी काम पर पूरा मन नहीं लगा पाएंगे, तो आप अपने मन लगाने की तरफ ध्यान दें। थोड़ा सा गेम भी खेल सकते हैं, लेकिन काम आज हर हालत में पूरा करना चाहिए। जो भी काम हाथ में लिया उसे पूरा करें और आप खुद ही करने की कोशिश करोगे तो अच्छा रहेगा। वहीं जो एम्प्लॉयज है, कर्मचारियों के लिए आज का दिन काफ़ी हद तक बेहतर रहेगा पहले से। इसमें आपके जो पहले काम किए थे उससे आपको शाबाशी मिल सकती है, लेकिन जीवन साथी के साथ आज किसी पुरानी बात को लेकर बहसबाजी से आपको बचना चाहिए, वो होने के चांसेस पूरे हैं। जुबान आपको सरस्वती माँ को बिठा के रखिए, इस पर संयम रखिए। गाली गलौच जुस्से गुस्से में आकर जोश में होश खो बैठने की स्थिति आज आपकी बन सकती है। वही प्यार इश्क और मोहब्बत में कोई धोखा देने की कोशिश कर रहा है, अलर्ट हो जाएं। स्टूडेंट को कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या आपके आ रहे एग्जाम की सफलता के लिए पूर्ण रूप से कमर कस के तैयार हो जाना चाहिए। इससे आपका मांग इसके लिए आपको अपने माता जी का आशीर्वाद लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए और रोज सुबह उनके चरण स्पर्श करके आप पढ़ाई करके देखिए, 7 दिन करके देखिए। आप वादा करेंगे, आप खुद कहेंगे कि हाँ मेरी पढ़ाई पहले से बेटर रही। हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट के मरीजों को आज बहुत ज्यादा सतर्क रहना चाहिए और कोलेस्ट्रॉल का चेकअप जरूर करवाएं। लकी कलर ऑरेंज, नंबर 7 शुभ है, शुभ अल्फाबेट है GRV है, AJ से दूरी बनाकर रखें। भाग्य उदय कारक दिशा दक्षिण रहेगी। तुला राशि वाले लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि 2 चीजों की तरफ अपना ध्यान दें। पहला तो आपका लाभ आज किस काम को करने से है, दूसरा लीगल कॉम्प्लिकेशन अगर आपकी तरफ चल रहे हैं, कोर्ट कचहरी मुकदमा को चल रहा है तो उस पर विचार करके उसको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे मैंने आपको फरवरी माह के मंथली राशिफल में बताया था कि 21 फरवरी को चंद्रमा आपके 12वें रहेंगे, जो हो सकता है कि आज आपको कुछ टेंशन डिप्रेशन मानसिक अशांति दे दे, तो आज आप अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखें और कूल रहने की कोशिश करें। व्यापार में आज आप कोई खास काम निपटा लेंगे और उसके बाद ही नए काम की तरफ लगें। आज आपको व्यापार में सोशल मीडिया और दूसरे तरीके से व्यापार का एक्सपांशन करने की तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए। वहीं वर्क प्लेस पर कोई काम सीधे साधे तरीके से नहीं हो पाएगा, इसके लिए आपको नए पैतरे और नए तरीके अपनाने पड़ेंगे। और वहीं जो एम्प्लॉयज हैं, जो भी नौकरी पेशा लोग हैं, उन लोगों के लिए आज आगे बढ़ने के लिए दिन बहुत अच्छा है। आज नया काम हाथ में ले सकते हैं, नया कोई टास्क मिलता है, नई कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उस पर आगे बढ़ सकते हैं, आपका दायरा भी बढ़ेगा। जीवन साथी के किसी रिश्तेदार के यहाँ जाने की प्लानिंग हो सकती है और उससे आपको तो नहीं लेकिन अगलों को जरूर अच्छा लगेगा। प्यार इश्क और मोहब्बत लव लाइफ में आज आपको संभल कर रहना होगा, क्योंकि कोई और की वजह से, हो सकता है कि पेरेंट्स की वजह से आज आपको कुछ झगड़ा फसाद भी हो जाए, तो आप अगर आने वाले समय में शादी करना चाहते हैं तो इस पर विचार जरूर करें कि यह बेहतर कैसे किया जा सकता है। कानूनी पढ़ाई से जुड़े हुए स्टूडेंट और साइंस से जुड़े हुए स्टूडेंट के लिए आज सफलता का दिन बहुत अच्छा रहेगा। सेहत को लेकर कोई विचार आपको नहीं करना चाहिए, रिलैक्स रहें। लकी कलर सिल्वर, नंबर 2 शुभ है, शुभ अल्फाबेट ILP है, CU से दूरी बनाकर रखें। भाग्य उदय कारक दिशा पश्चिम रहेगी। वृश्चिक राशि वाले लोगों को आज अपना ध्यान 2 चीजों की तरफ होना चाहिए। पहला तो पिता के स्वास्थ्य और पिता की तरफ, दूसरा आपका ध्यान अपने बड़े भाई या बहन की तरफ होना चाहिए। इन दोनों लोगों को अगर आपकी जरूरत है तो आप उसे पूरा निभाएं या उनके हालचाल जरूर पूछने चाहिए। व्यापार में आधे अधूरे ऑर्डर आप किसी पर मत छोड़िए, क्योंकि इससे आपको नुकसान होने जा रहा है। आप खुद उस पर पैनी नजर रखें और कैसे उस ऑर्डर को पूरा कर सकते हैं, कैसे अपने काम से लाभ ले सकते हैं, इस पर आपको पूरा विचार करना चाहिए। नए कारोबार की शुरुआत बिल्कुल भी नहीं करें, बल्कि वर्क प्लेस पर आज आपको समस्याओं और विवादों को दूर करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। आपके स्टाफ, आपके एम्प्लॉयज, सबॉर्डिनेट्स, उन लोगों के अपनी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आपको खुद उसे बैठकर हल करवाना चाहिए और एक दूसरे को गले मिलाना चाहिए, जिससे अपने ऑफिस का वातावरण अच्छा बन सके। विवादों को दूर करने की कोशिश अगर आप आज से करेंगे तो आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। वहीं सरकारी कर्मचारी उच्च अधिकारियों से परेशान हो सकते हैं। जीवन साथी का व्यवहार आपके प्रति थोड़ा सा अजीब रहेगा, तो इसकी वजह आज आप समझ पाएंगे। धैर्य, धीरज और संयम, इन 3 फॉर्मूले पर चलोगे तो आज का दिन बेहतर गुजरेगा। वहीं लव लाइफ में स्वयं के स्वभाव को कंट्रोल रखना होगा। स्टूडेंट को कम महत्व की प्रतियोगिताओं का नतीजा मिल सकता है और साथ में आपको आने वाले एग्जाम के लिए आज कोई ऐसा नुस्खा मिल सकता है जिससे आपका एग्जाम बेहतर हो जाए। मसल पेन के अलावा आज कोई हेल्थ इश्यूज मुझे नजर नहीं आ रहा है। लकी कलर येलो,
नंबर सिक्स शुभ है, शुभ अल्फाबेट ए पी एस है, वहीं बी एच से दूरी बनाकर रखें। भाग्य उदय कारक दिशा उत्तर रहेगी। धनु राशि वाले लोगों को आज दो चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए। पहला तो आप भाग्यशाली हैं, इस पे आप इसे आप महसूस कर लें, और दूसरा आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपने काम से मतलब रखना है, किसी और के परपंच या चक्कर में नहीं पड़ना है। व्यापार में आज आपको कोई बड़ा फैसला लेना हो तो आप जानकार या किसी बड़े व्यक्ति से सलाह लेकर आप जरूर उसे पूरा करें। वहीं वर्क प्लेस पर हो रही राजनीति से आज आपको बिल्कुल दूर रहना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों को लालच से दूरी बनाए रखनी चाहिए, परिवार के साथ समय बिताना चाहिए। वहीं लव लाइफ में आज आपको कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है, इसलिए आप ये सोच लें कि आप कोई कठिनाई खुद तो पैदा नहीं कर रहे। स्टूडेंट को रिविजन में समय का ध्यान ही नहीं रहेगा और रिवीजन इतना अच्छा हो जाएगा। आज आपके लिए पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा दिन रहेगा। सेहत तो कोई ज्यादा परेशान नहीं, लेकिन रैश ड्राइविंग आपको परेशान कर सकती है, ध्यान रखें। लकी कलर पर्पल, नंबर फाइव शुभ है, शुभ अल्फाबेट आर टी यू है, एच पी से दूरी बनाकर रखें। भाग्य उदय कारक दिशा पश्चिम रहेगी। मकर राशि वाले लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि आज आपका पूरा ध्यान आपकी यात्रा की तरफ होना चाहिए और हायर एजुकेशन की तरफ होना चाहिए। आप आज या आने वाले समय में कोई यात्रा करना चाहते हैं तो उसकी रूपरेखा आज पूरी बना लें। टिकट वगैरह जो भी आपको चीज़ें हो सकती है उसका आप आज निस्तारण कर लें। और दूसरा आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपने काम से मतलब रखना चाहिए। बिजनेस से संबंधित आज कोई यात्रा की प्लानिंग हो सकती है और ये यात्रा आपके लिए लाभदायक होगी, ये मान लेना चाहिए। वर्क प्लेस पर मौज मस्ती के लिए पैसा खर्च होगा, और अगर मौज मस्ती होती है तो पैसा जरूर खर्च करना चाहिए। सरकारी कर्मचारी हो या जनरल एम्प्लॉयज हो, उन लोगों के लिए आज का दिन काफी अच्छा है, तो आज आप कोई विशेष काम कर सकते हैं। रुपए पैसे धन दौलत के मामले में आज अपने पार्टनर से कोई बात आपको छुपानी नहीं चाहिए। अगर आप किसी तकलीफ में हैं तो आपको अपने पार्टनर से इस बात को शेयर जरूर करना चाहिए। लव लाइफ में आज आपको कोई बड़ा फैसला लेना है तो आज आप ले सकते हैं। माता पिता या परिवार बुजुर्गों से आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो आप इसमें आज जरूर आगे बढ़ें। स्टूडेंट, किसी विशेष टॉपिक को पूर्ण करने की तरफ आप आगे बढ़ें, और जैसे ही आप कर लेते हैं आराम करें और उसके बाद नए काम में लग जाएं। माइग्रेन की समस्या, जिन लोगों को स्पेशली सर दर्द है उन लोगों के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। लकी कलर आपका व्हाइट, नंबर वन शुभ है, शुभ अल्फाबेट सी जी ओ है, बी और डी से दूरी बनाकर रखें। भाग्य उदय कारक दिशा दक्षिण रहेगी। कुंभ राशि वाले लोगों को आज कोशिश करनी चाहिए कि अपना पूरा ध्यान दो चीजों की तरफ हो। पहला तो माइंड योर ओन बिजनेस, यानी अपने ही काम अपने ही बिजनेस की तरफ ध्यान दें। दूसरा, आपके ननिहाल पक्ष में अगर किसी को कोई तकलीफ है या आपकी वजह से किसी को अच्छा लगता है तो आपको जरूर मिलना चाहिए, करना चाहिए ऐसा कोई काम। वैसे मैंने आपको फरवरी माह के जो मंथली राशिफल अलग से देता हूं उसमें बताया था कि 21 फरवरी को चंद्रमा आपके आठवें रहेंगे, जो हो सकता है कि कुछ हद तक आपको मानसिक अशांति दे दे। तो आज वही दिन है, कोशिश करें कि अपना और अपनों का ख्याल जरूर करें और कूल रहने की कोशिश करें। व्यापार में आज का दिन आपके लिए अनुकूल नहीं रहेगा नए काम को करने के लिए, बल्कि जो पुराने काम है, रूटीन काम है, उसे और बेहतर करने की तरफ ध्यान दें। आज आपको कुछ ऐसा सीखना चाहिए कि जिससे ग्राहक आपसे संतुष्ट हो जाएं और उनके चेहरे पर खुशी आ जाए और आपको अच्छे ऑर्डर भी मिल जाए। वर्क प्लेस पर आज आप लोगों को कुछ ऐसा करना चाहिए कि सबऑर्डिनेट्स के साथ आपके संबंध अच्छे हो जाएं। जो भी एम्प्लॉयज है, आज थोड़ा बहुत तनाव भी रहेगा लेकिन उस तनाव को आप दूर जरूर कर देंगे। परिवार में आज आपको कुछ पुरानी बातें परेशान कर सकती है, कोई कहीं अपमान हुआ था वही बात वापस आ सकती है जिससे आप वापस वही फील करें अपमानित, ऐसा नहीं होना चाहिए। लवर का व्यवहार आपके दिल को ठेस पहुंचा सकता है। स्टूडेंट, पेपर को लेकर थोड़े से टेंशन में रहेंगे, मैं चाहता हूं कि इस टेंशन को आप भगाएं और एग्जाम की टेंशन को ना तो अपने ऊपर लेना चाहिए ना घर में लाना चाहिए। तनाव के कारण नींद उड़ जाएगी, बल्कि नींद अच्छी लेकर फिर काम करें। तनाव से बाहर निकलने के लिए डॉक्टरों को उचित सलाह लें, योग प्राणायाम एक्सरसाइज का जरूर सलाह लें और उसके बाद काम करें। लकी कलर क्रीम, नंबर एट शुभ है, शुभ अल्फाबेट एच आई पी है, एफ वी से दूरी बनाकर रखें। भाग्य उदय कारक दिशा पश्चिम रहेगी। मीन राशि वाले लोगों को आज दो चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए। पहला तो आपको अपने दुश्मन कौन है उसे पहचाने, आपका युद्ध क्या है, आपको अपना युद्ध चुनना जानना चाहिए। किसी से जबरदस्ती लड़ाई झगड़ा करना आपका युद्ध नहीं है, आपका युद्ध होना चाहिए तरक्की, उसके लिए आप काम करिए। दूसरा, आपके पति पत्नी के संबंध को बेहतर करने की तरफ आपको विचार करना चाहिए। अटके हुए ऑर्डर मिलने से बिजनेस में रुका हुआ पैसा मिल जाएगा और आज काम बड़े तेजी से आगे बढ़े, इसके लिए आप जल्दी ऑफिस में जाएं और काम को पूरा करें। आर्थिक मामलों में काफी हद तक सुधार होता हुआ दिख रहा है,
वर्क प्लेस पर विरोधियों के द्वारा भी आपको सहायता मिल सकती है। वहीं जो भी एम्प्लॉयज है उन लोगों को, उन कर्मचारियों को छुट्टी सैंक्शन हो सकती है, या आपको कुछ किसी स्पेशल काम की तरफ जाना है तो उस पर आप विचार कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ संबंधों में कुछ नयापन आप महसूस जरूर करेंगे। प्रेमी संबंध के साथ आज आपको एक विशेष पार्टी देनी चाहिए, विशेष गेट टुगेदर करना चाहिए इवनिंग में, आज वो शाम आपके लिए बहुत कामयाब शाम रहेगी। स्टूडेंट पेपर को लेकर थोड़े से विचार टेंशन में रहेंगे, इस पर आपको जरूर विचार करना चाहिए कि टेंशन को कैसे दूर भगा जाए। नींद प्रॉपर लेने से ही आपकी आधी समस्याएं खत्म हो जाएगी। सेहत ओवरऑल आपकी अच्छी रहेगी। लकी कलर नेवी ब्लू, नंबर 4 शुभ है, शुभ अल्फाबेट DLT है, PR से दूरी बनाकर रखें। भाग्य उदय कारक दिशा उत्तर रहेगी। राशिफल के बाद आइए अब मैं वो खास उपाय आप सभी को बताता हूं जो आपके लिए बहुत बड़ा भाग्योदय कारक दिन हो सकता है। देखिए, कई बार अच्छे से अच्छा डॉक्टर या वैद्य भी हमारी बीमारी का सही इलाज नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा देखा गया है कि इसका कारण ऊपरी हवा या नज़र के कारण बीमारी आ जाती है, और उसका इलाज भी उसी प्रकार से आपको करना चाहिए। अगर आपके घर में भी कोई इसी प्रकार से बीमार है, जिनको इस प्रकार की तकलीफ है, तो आज आप उनके लिए घर की कोई भी महिला शाम के समय आटे के 2 पेड़े बना लें और उसमें रात को भीगी हुई 10 ग्राम चने की दाल, या उसी टाइम थोड़ा 2-4 घंटे भिगो सकते हैं, या दिन भर में भिगो के भी शाम को ये काम कर सकते हैं। 10 ग्राम चने की दाल के साथ 1 टुकड़ा गुड़ और 2 चुटकी हल्दी दबाकर बीमार व्यक्ति के ऊपर से राइट आई से लेफ्ट आई की तरफ इस प्रकार से 7 बार उबार कर गाय को शाम या अगले दिन सुबह खिलाना चाहिए। ऐसा आपको लगातार 7 गुरुवार करना चाहिए, स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा। अब आइए सुख सौभाग्य सूत्रम में क्या है उस पर बात करते हैं। देखिए, घर के द्वार पर जो मेन गेट होता है, जिसपे ज्यादा हम लोग घर के बाहर आते जाते हैं, उस पर मंगल तथा शुभ चिन्हों को लगाना चाहिए। इससे घर पर नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है खत्म, और सकारात्मक ऊर्जा आने लगती है, वासु दोष दूर होते हैं। अपने घर की सुरक्षा के लिए आप एक प्रतीक मकान के मुख्य द्वार के बाहर दरवाजे के दोनों बाजुओं पर चिपका दें या लगा दें। जैसे स्वास्तिक, ओम, त्रिशूल का प्रयोग कर सकते हैं, शुभ लाभ का प्रयोग कर सकते हैं, अतिथि देवो भव का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें बहुत ही उपयोगी और लाभदायक माना जाता है। आप करके देखिए, और जब भी घर के बाहर जाते हैं उसे आप देख लीजिए, घर के अंदर जाते हो उसे देखना चाहिए आंखों से, आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी आ जाएगी। घर के सभी सदस्य घर के बाहर जाते वक्त एक बार शुभ लाभ या ओम या स्वास्तिक जो भी आप लगाते हैं उसे देख लें, घर के अंदर आते वक्त भी उसे देख लीजिए। आप सप्ताह भर ये करके देखिए, हमेशा करना चाहिए, आप खुद कहेंगे कि हमारे घर में एनर्जी लेवल बढ़ गया है, घर के लड़ाई झगड़े खत्म हो गए हैं। मैं आप सभी को ग्रहों का खेल मासिक पत्रिका, जिसका लेखन और प्रकाशन मैं खुद करता हूं, इसके सदस्य बनने के लिए आमंत्रित करता हूं। आप मुझसे डायरेक्ट फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। ग्रहों का खेल .co.in मेरी वेबसाइट है, जिस पर जाकर आप बहुत सारी सर्विसेज का लाभ ले सकते हैं। आज का दिन आपका बेहतर गुजरे, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और अपनी जुबान को यहीं विराम देता हूं। आप सभी बहुत सुखी रहें, आशीर्वाद, नमस्कार। मेरे सभी प्रिय चाहने वालों, दर्शकों, मैं जब भी इन फूलों को देखता हूं तब एक एहसास होता है कि फूल तो टहनी के सबसे ऊपर वाले भाग में उगे हैं, लेकिन फूल बनना जड़ से शुरू हुआ था, क्योंकि इसे खाद और पोषक तत्व जमीन से मिलते हैं। क्यों नहीं हम भी एक खुशनुमा जीवन को जिए, हमारे शरीर, मन, मस्तिष्क के हर रोम में ऐसा फूल उगे। इसमें आपके जीवन में कांटे कौन बो रहा है, यानी मैं बताऊंगा कि आपकी कुंडली के 9 ग्रहों का हाल, कि कौन से ग्रह आपके विरुद्ध हैं और कौन से आपके पक्ष में हैं। इसके लिए मैं आ रहा हूं आपके शहर आपसे मिलने के लिए। मैं अपना फरवरी और मार्च महीने का स्केड्यूल दे रहा हूं। अगर आप इन शहरों और देशों में रहते हैं और मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। 23 फरवरी को मैं दिल्ली रहूंगा, 16 फरवरी को मैं नेपाल काठमांडू रहूंगा, और 24 फरवरी को चंडीगढ़, 28 फरवरी और 1 मार्च को मैं दुबई में रहूंगा। मार्च की बात करें तो 2 और 3 मार्च को मैं देहरादून में रहूंगा, 8 और 9 मार्च को सिंगापुर में रहूंगा, 10 और 11 मार्च को मैं पर्थ ऑस्ट्रेलिया में रहूंगा, 16 मार्च को नागपुर, 17 मार्च को नासिक और 18 मार्च को मैं मुंबई में रहूंगा।
23 यानी 23 मार्च को मैं सूरत में, 24 मार्च को बड़ौदा, 25 मार्च को मैं अहमदाबाद रहूँगा और फिर 29 मार्च को दिल्ली, 30 मार्च को लखनऊ और 31 मार्च को मैं पटना में रहूँगा। निश्चित रूप से हम अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी भोग रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ग्रहों का खेल है, हमारे संचित कर्म है, प्रारब्ध है, हमारे माता पिता का आशीर्वाद है, हमारे कर्म है। लेकिन एक परामर्श, आपकी और मेरी मुलाकात निश्चित रूप से आपकी किसी समस्या का समाधान जरूर कर सकती है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, मिलते हैं बहुत जल्द, नमस्कार। लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे, जबकि हमारे गुरुदेव सुरेश श्रीमाली जी कहते हैं भाग्य लेकर आए हैं और कर्म लेकर जाएंगे। जी हां, यह बात एकदम सही है। यदि आप चाहते हैं अपने कर्मों द्वारा भाग्य में बदलाव और जानना चाहते हैं अपने जीवन का भविष्य, साथ ही अपने जीवन से जुड़ी हुई हर समस्या जैसे बच्चों की एजुकेशन, उनके करियर और विवाह, आपका जॉब या बिजनेस, ट्रैवलिंग, फैमिली लाइफ या फिर पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। गुरुदेव न केवल उन सवालों का जवाब देंगे बल्कि आपकी समस्याओं को दूर करने के उपाय और बेहतर जीवन जीने के कुछ सुझाव भी देंगे। इसके लिए आप गुरुदेव से पर्सनली मिल सकते हैं, टेलीफोन अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी सीधे सवाल पूछ सकते हैं। आप चाहे तो अपनी या परिवार के सदस्यों की संपूर्ण जन्म कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं। ये जन्म कुंडली विश्लेषण आप टेलीविजन के माध्यम से या फिर कंप्लीट फाइल भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.grahonkakhel.co.in पर एस्ट्रोलॉजिकल सर्विसेज पर क्लिक करना होगा या सीधे हमारे इंडिया में आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के इस नंबर पर जो है 0091982902665 पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। एड्रेस सुरेश श्रीमाली, हाई कोर्ट कॉलोनी, जोधपुर, इंडिया। कॉन्टैक्ट नंबर है 0091982902665। ईमेल एड्रेस है info@grahonkakhel.co.in।